लोगों, अपने उस रब का तक्वा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान से बनाया, उसी से उसका जोड़ा बनाया, आदम और हव्वा, और उन दोनों से कसीर तादाद में मर्दों और औरतों को जमीन में फैला दिया। देखिए किस कदर मुनासबत है, आज फिर आदम का एक बेटा, हव्वा की एक बेटी, उसी रिश्ते में मुंसलिक हो रहे हैं, इनसे भी आगे नस्ल चलेगी। आज जो 6 बिलियन ह्यूमन बींग्स हैं, मैन एंड वीमन, वो कौन है? सब आदम और हव्वा की औलाद है कि नहीं? लेकिन दोबारा फरमाया मत्तकुल्ला, देखो दोबारा सुन लो, अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो, अल्लज़ी तसअलूना बिही, जिसका कि तुम एक दूसरे को वास्ता देते हो, फकीर भी मांगता है तो अल्लाह के नाम पर, कहीं झगड़े ना चुक रहे हो किसी तरीके से, तो आखिर में वास्ता अल्लाह का वास्ता, भाई अल्लाह का नाम मानो, ठीक करो मामले, जिसका वास्ता देना है उसके हुक्म पर अमल भी तो करो। वलअरहाम, रहमी रिश्तों का लिहाज रखो, कतअ रहमी ना हो, सिला रहमी होनी चाहिए। अल्लाह ताला तुम पर निगरान है, तुम्हारे एक एक अमल को देख रहा है। दो आयतें सूरह अहज़ाब की, अहले ईमान अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो और जबान से वही बात निकालो जो दुरुस्त और सीधी हो। यह भी जबान का तक्वा हो गया ना, पहले बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, एक एक हर्फ की जवाबदेही करनी होगी अल्लाह के यहां, तुमने ये बात कह दी थी, डिड यू हैव द राइट टू से इट, हक था तुम्हारा, लिहाजा जबान को पकड़ो। और अगर दिल में तकवा और जबान कंट्रोल में आ गई तो तुम्हारे सारे अल्लाह आमाल अल्लाह दुरुस्त कर देगा, और फिर भी अगर कोई खता हो गई, गलती हो गई, तो अल्लाह माफ फरमा देगा। और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर कारबंद हो गया, उसने तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल